देखिए कुछ कमियां रही हैं विचार में, संगठन में, नेतृत्व में। उन कमियों का हम विश्लेषण करेंगे। जनादेश जो होने जा रहा है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई या कांग्रेस बहुत कम आगे कम मजबूत नहीं हो सकती, ये मैं इसमें नहीं विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे। हमारे पास समय है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, नए कार्यकर्ता बनाएंगे और कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़ेंगे, फिर अगले चुनाव में नतीजे तो जारी हों। देखिए अब कारण कई हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां रही हैं उनको हम ठीक तरह से जनता के बीच नहीं पहुँचा रहे कल तक। और देखिए अभी भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ काम होना है और कुछ संगठन की हमारी कुछ कमी रही होगी। लोकसभा की तैयारी के लिए हम कल से जुट जाएंगे और कई बार ऐसा भी हुआ है कि विधानसभा में नतीजे कुछ और हैं, लोकसभा में कुछ और हैं और फिर देता हूँ कि ठीक है उनको सरकार बनाई बधाई। क्या क्या मध्य प्रदेश में देखिए हमने कोई चेहरा नहीं चलाया था, चेहरा तो आप लोगों ने चला था। हम लोग तो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं। कहीं कहीं हमारे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को हम पूरी तरह समेट नहीं पाए, कुछ टिकट को लेकर भी असंतोष था, ये भी कारण रहा होगा और सब कारणों की समीक्षा होगी और मजबूती से उभरेंगे। देखिए मेहनत सबने की, दिग्विजय सिंह जी ने भी मेहनत की, सबने मेहनत की, लेकिन अब जो परिणाम है उसका आदर करते हैं। ठीक है, जनादेश है, जनादेश का। सेवा का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा जनता ने स्नेह और मतदाताओं ने और देश की जनता ने प्यार और स्नेह शिवराज जी को दिया है। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब की बार शिवराज जी की सरकार बनी है। कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें हैं? मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं की हर उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा मध्य प्रदेश में जो असंतुष्ट है, जिनकी शिवराज जी ने नहीं सुनी हो, कि पार्टी ने नहीं सुनी हो। सबने सुना, सबने काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज जरूरत से ज्यादा सीटें और हमने नहीं सोचा तो उससे कहीं आगे तक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त किया।